धार्मिक आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदा रहते ये नहीं हो सकता है। पीएम ने इस वक्त की बड़ी बात कही है, ओबीसी के हक पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है, सुनिए। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़कर के मुसलमानों को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़कर के मुसलमान को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी ओबीसी आरक्षण का हक छोड़कर के मुसलमान को दे सकता है क्या? और उन्होंने कर्नाटका का एक मॉडल डेवलप किया है। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। जब तक मोदी है इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है, कहा है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दे सकती। पुणे में पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कही, वापस से सुनिए। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमानों को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी ओबीसी आरक्षण का हक छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? और उन्होंने कर्नाटका का एक मॉडल डेवलप किया है। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। जब तक मोदी है इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहे। दोस्तों मुस्लिम आरक्षण पर जंग अब दूसरे चरण से तीसरे चरण में जा पहुंची है। देखिए आरक्षण के ऊपर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। देश में दो चरण का मतदान पूरा हो चुका है, मगर हर दूसरे दिन चुनावी रैलियों में नए मुद्दे उठ रहे हैं। ताजा मामला आरक्षण से जुड़ा है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आरक्षण ही 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पीएम मोदी भी कभी मुस्लिम आरक्षण तो कभी दलितों और पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। साथियों ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही हैं।
जिसे लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कभी कहते हैं इनके लोग, कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, यह सच्चाई है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। यहाँ तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साफ कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, मगर विरोधी पार्टियां बार बार बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं। संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। दरअसल आरक्षण के नाम पर सियासी पार्टियां सालों से देश की जातियों को साधने की कोशिश करती रही हैं और वोट बैंक की खातिर भटकाने वाली राजनीति भी होती रही है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के लिए आरक्षण गले की फांस बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों मतलब साफ है कि इस वक्त जो पूरा चुनाव है वो मुस्लिम आरक्षण बनाम पूरा का पूरा अक्रॉस हो चुका है। मतलब मुस्लिम आरक्षण कौन देगा और कौन एससी एसटी ओबीसी का हक छीनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खुल के कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। दोस्तों तीसरे चरण के चुनाव आते आते अब फेक वीडियो को लेकर भी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर जहां सियासत गरमा चुकी है, वहीं अब दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और दोस्तों पूरी की पूरी खबर को बताने में, अगर मैं आपको पूरी खबर बताना चाहता हूं, ये खबर बताने के पहले ये देखिए कि झूठा वीडियो कौन सा और सच्चा वीडियो कौन सा है। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और दोस्तों पूरी खबर बताने से पहले आप असली और नकली वीडियो एक साथ आपने देखे दोस्तों, वो आप इस वक्त देख चुके हैं। इस वक्त मैंने आपको असली और नकली वीडियो दिखा है। दोस्तों एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस इस फेक वीडियो के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए निकल पड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा कि कांग्रेस जो है ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ झूठ के सारे लड़ना चाहती। कहा है ओरिजिनल मेरा जो बोला हुआ भाषण है कि हम मुसलमानों का माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो संविधान सम्मत नहीं है। इसको अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर गलत वीडियो प्रचारित किए। वो बताता है कि कांग्रेस कितनी डेस्परेट हो गई। उनके प्रमुख लोगों ने वीडियो को सर्कुलेट किया और ऐसे झूठ के सहारे पर वो जीतना चाहते। दोस्तों सवाल ये है कि आखिर किसने फेक वीडियो के को साजिश के तहत अपलोड किया, क्या थी इसके पीछे की पूरी मंशा, कौन है इसका मास्टरमाइंड। बीजेपी और कांग्रेस में फेक वीडियो को लेकर नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों पिछड़ा वर्ग का घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। कभी कहते हैं इनके लोग, कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जो लोग चुनाव हार चुके हैं फेक वीडियो बना रहे हैं। तेज तर्रार जुबानी चंग, एक तरफ गांधी जी
और चुनावी गर्मी के बीच फेक वीडियो के एंट्री होते ही एसपी और ओबीसी का है। अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस फेक वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले मास्टरमाइंड को तलाश रही है। इसलिए अब जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को पोस्ट किया गया उनको भी जांच में शामिल किया जा रहा है। इस बीच गृहमंत्री के एडिटेड वीडियो मामले में 5 लोगों की पहचान की गई है। इन सभी का ताल्लुक तेलंगाना से बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो केस में दिल्ली पुलिस की टीम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस थमाया है। उन्हें इस मामले में 1 मई को जवाब देने आना होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो एडिटेड मामले में दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल रहे और जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए एक टीम को तेलंगाना भी नोटिस देने के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि एडिटेड वीडियो में दिखाया गया था कि शाह एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा में फेक वीडियो को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने लोगों से फेक वीडियो की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं फेक वीडियो बना रहे हैं, मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो। वैसे बीजेपी हर बार साफ करती आई है कि बीजेपी के अस्तित्व तक आरक्षण रहेगा, इसे कोई नहीं हटा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जबकि राहुल गांधी अब भी बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। बीजेपी और कांग्रेस में जमकर दो दो हाथ हो रहा है। सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद, प्रधानमंत्री बात करेंगे भक्ति बातों की, अरे थोड़ा गिरे बाल में झांक कर देखिए एक शब्द नहीं बोल पाइएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री जिसका काम ही है एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ना, लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, खास कर बीजेपी के ऊपर जो लोगों के हित में काम कर रहे, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। वैसे राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आई है। एक तरफ फेक वीडियो को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है तो वहीं आरक्षण का मुद्दा आगामी 5 चरणों के चुनाव में गर्माता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। ये फेक वीडियो इन सबसे हमारे समाज को बचाना हमारा दायित्व है और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ओर के कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में अमेठी देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है।
देश में हर कोई जानना चाहता है कि भाई अमेठी में स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारेगी। एक दिन पहले इस सीट के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन आज एक नई खबर सामने आई है दोस्तों, जो आपको चौंका देगी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में एक सेफ सीट से उतारना चाहती है। ध्यान से वर्ड समझिए, सेफ सीट, ताकि पिछली बार की तरह राहुल को यूपी में हार का सामना ना करना पड़े। आज सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी नहीं है सेफ सीट, बल्कि रायबरेली की सीट फाइनल की जा रही है। अमेठी को लेकर कांग्रेस कितना कंफ्यूज हो रही है दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए दोस्तों। कंफ्यूजन नंबर वन, जब वायनाड से राहुल के नाम का ऐलान हुआ तो अमेठी से उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया, ऐसा लगा कि राहुल एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। कंफ्यूजन नंबर दो, तब राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी सीट से अपना दावा ठोका और चुनाव लड़ने की उम्मीद जता दी भाई। फिर कंफ्यूजन नंबर तीन, राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर नपतुला बयान दिया, जो पार्टी कहेगी वो ही करूंगा, ऐसा राहुल ने कहा। अब कंफ्यूजन नंबर फोर समझिए, वायनाड में चुनाव होने के बाद अमेठी से राहुल के नाम का ऐलान होगा, चुनाव बीते चार दिन हो चुके हैं लेकिन नाम का ऐलान नहीं हुआ। कंफ्यूजन नंबर फाइव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समय आने पर फैसला होगा, लेकिन अभी तक वो समय ही नहीं आया है दोस्तों। और कंफ्यूजन नंबर सिक्स, अब राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब एक सीट को लेकर जो एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, जो 40 से ज्यादा सालों तक कांग्रेस पार्टी जा गवर्न करी, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार तक फैला डिसाइड नहीं कर पा रही दोस्तों। कितना कंफ्यूजन है देखिए रिपोर्ट में। यूपी में राहुल गांधी के लिए कौन सी सीट जिताऊ साबित हो सकती है, ये कांग्रेस के लिए अबूझ पहेली बन गई है। तभी तो कांग्रेस पार्टी यूपी में राहुल गांधी के लिए अभी तक एक सीट नहीं चुन पाई है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सिर्फ कयासों का दौर ही चल रहा है। यूपी में राहुल गांधी के लिए सीट का चुनाव बीरबल की खिचड़ी जैसा हो गया है। अब राहुल की सीट को लेकर जो नई खबर आई है, उसके मुताबिक वो अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली सीट से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी, जिनके नाम की चर्चा रायबरेली सीट से हो रही थी, वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं तो वायनाड सीट खाली होने पर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर थी। यहां तक की भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी की टीम ने अमेठी में कैंप कर लिया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी अपनी सीट बदल सकते हैं, यानी अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वेलकम के पोस्टर तक लगा दिए थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी राहुल के स्वागत में बैनर लग चुके थे। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता तो अमेठी से राहुल के जीतने की भविष्यवाणी तक कर रहे थे, लेकिन भविष्यवाणी का सच होना तो दूर, उनकी उम्मीदों पर ही पानी फिरने वाला है। कार्यकर्ताओं में भले उत्साह हो, लेकिन अमेठी की जनता राहुल गांधी से बहुत खुश नहीं है। राहुल गांधी तो यहाँ कभी नहीं आए हैं। नहीं आए, नाम उनका आता है बस। एक बार आए थे बस, उसके बाद नहीं आए। बस एक बार, बस के बाद। कहाँ पर आए थे? नहीं, गौरीगंज में आए थे। अच्छा, प्रियंका गांधी आवे चाहे सोनिया गांधी ही अमेठी आवे, भैया हार के जाएगी पर बटवान कहा। अच्छा, हाँ, शायद जनता के इसी गुस्से को कांग्रेस समझ गई है। 2019 के बाद राहुल भले ही अमेठी में गिनती के दिन आए हों, लेकिन यहां से मौजूद सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो अमेठी को अपना घर ही बना लिया है। स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। गाड़ियों की लंबी कतार और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ से अमेठी भगवामय दिख रही थी।
जी न्यूज ने राहुल के अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। राहुल गांधी अमेठी एक बार फिर से लड़ने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने बीजेपी के कहा कि पहले दक्षिण भारत का चुनाव होगा उसके बाद ही अमेठी जा। सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा, वो राहुल गांधी जी का अपना पार्टी का भी कई सोर्सेस के नाते वो लोग आप पत्रकारों को न्यूज़ देते रहते हैं, आप भी चलाते रहते हैं पूरा दिन, तो ये कहना उचित नहीं है कि बीजेपी वाले ही कह रहे हैं, मीडिया वाले भी कह रहे हैं, और मीडिया को कांग्रेस के कम्युनिकेशन से ही आता है ये सोर्स बेस्ड स्टोरीज। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये स्मृति ईरानी के लिए वॉकओवर हो सकता है। अमेठी हो या रायबरेली, दोनों ही सीटें गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती रही हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस का लंबा जनाधार रहा है। अमेठी का गढ़ तो 2019 में ही ढह गया था, बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती रायबरेली की सीट है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अमेठी। दोस्तों, अमेठी के साथ रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकी है। वैसे इस सीट के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 महीने से उनका नाम चर्चा में है। यहाँ भी कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि रायबरेली में भी लगातार, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से आंकड़ों को देखिए। 2009 में रायबरेली में कांग्रेस को 72% वोट मिला था, वो घट के 2014 में 63% हो गया, वो और घट के 2019 में 56% हो गया। मतलब हर 5 साल में 7-8% वोट कम हुआ और 10 साल में 16% वोट कम हो गया। मतलब अमेठी की सीट जैसे नीचे नीचे गई और राहुल गांधी हार गए, वैसे रायबरेली की सीट भी 2019 में आ गई है। दोस्तों, अब रायबरेली से मैं अपने होम टाउन इंदौर की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग चुके हैं, इस बार कांग्रेस पर नया बम इंदौर से फूटा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले ही सूरत की सीट जीत चुकी है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार निलेश कुंभापी का पर्चा रद्द हो गया था और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल आसानी से जीत गए थे। दोस्तों, अब मैं इंदौर में जो कांग्रेस के साथ हुआ है वो बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। उस कांग्रेस को के अंदाजा भी नहीं था, कांग्रेस पार्टी को, कि हो क्या रहा है। दोस्तों, यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय क्रांति बम ने अचानक कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो हाथ में ले लिया। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है, ऐसे में मतदान से 15 दिन पहले दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट दोस्तों। पल भर में बदल जाते हैं रिश्ते, कुछ ऐसा है इंदौर में सियासी बम फूटने के बाद हुआ है। कांग्रेस हाथ मलती रह गई और इंदौर में अक्षय कांति बम बीजेपी के पाले में चले गए। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने इंदौर में होने वाले चुनाव से 15 दिन पहले ही कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया है। कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। अब एक एक सियासी बम फूटने की तस्वीरें देखिए। यहाँ अक्षय कांति बम कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, साथ में अन्य बीजेपी नेता भी मुस्कुरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया में ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बम का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी मान भी रही है कि ये कांग्रेस के अंदर बम फूटा है, जबकि कांग्रेस आग बबूला है। अक्षय कांति बम जी ने कांग्रेस के अंदर, संगठन के अंदर बम फोड़ दिया इंदौर में। मध्य प्रदेश और पूरा देश इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त देश में बीजेपी की आंधी बता रहे हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ कुछ वक्त पहले अक्षय कांति बम कांग्रेस की महासचिव के साथ दिख रहे थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में इंदौर 4 सीट से
टिकट मांगा था, तब हाईकमान ने इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन आज इंदौर में कमल के लिए मैदान साफ दिखता जा रहा है, क्योंकि बम बीजेपी के पास चले गए हैं। कांग्रेस को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। उनके ऊपर एक मुकदमा किया गया जिसमें हत्या की धारा जोड़ी गई, लेकिन ऐसे ही कोई जाकर अपना नामांकन वापस नहीं ले लेता है और बीजेपी का दामन नहीं थाम लेता है। इस लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। वैसे अब बीजेपी के शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार का मैदान छोड़ना बीजेपी के इंदौर में पकड़ और मजबूत कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड कैलाश विजयवर्गीय माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की दो लोकसभा सीट खजुराहो के बाद इंदौर में बीजेपी एक तरफा हो गई है। देखना यह है कि क्या यहाँ भी सूरत जैसा परिणाम आ सकता है और बीजेपी 4 जून से पहले ही 2-0 की बढ़त बनाने की ओर बढ़ गई है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, पिछले 35 सालों से इंदौर लोकसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। दोस्तों, कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। कौन है ये अक्षय कांति बम, क्या इनका छोटा सा परिचय, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और ध्यान से देखिएगा। अक्षय क्रांति बम पेशे से कारोबारी है। बम ने अपने राजनीतिक करियर में अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। बम के परिवार की संपत्ति कुल मिलाकर 78 करोड़ के करीब है। बम, मैं आपको बताना चाहता हूं, बम जो है वो 3 अलग अलग केस जो है बम के ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों, मतलब साफ है कि ये कारोबारी जिसके ऊपर पैसा है वो कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया और शायद उस कारोबारी को ग्राउंड पे लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसीलिए उसने अपना पाला बदलने की कोशिश करी जिससे उसके कारोबार प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा मुझे लगता है। अब होगा क्या वो देखेंगे। दोस्तों, अब इंदौर से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ूंगा और उत्तर प्रदेश से अब मैं बढ़ना चाहता हूं लंदन की तरफ। दोस्तों, युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का, पाकिस्तान को हराने का मजा अलग ही है दोस्तों। और अब से ठीक 48 घंटे बाद भारत के पास पाकिस्तान को हराने का बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं नहीं मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्रिकेट की बात नहीं है, बात दरअसल दोस्तों है लंदन मेयर चुनाव की। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इस वक्त अगर लंदन का मैदान जो है वहां मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों, खबर यह है कि लंदन में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग अब से ठीक 48 घंटे बाद होने वाली है और इस बार भारतीय मूल के उद्योगपति तरुण गुलाटी पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को चुनौती दे रहे हैं। सादिक खान पिछले 8 साल से लंदन के मेयर की कुर्सी पर काबिज है, जबकि दिल्ली के रह रहे तरुण गुलाटी पहली बार मेयर पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। सादिक खान का यह तीसरा चुनाव है, इससे पहले 2 बार वो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। सादिक खान लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तरुण गुलाटी निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में एक और रोचक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं, 88 लाख की आबादी वाले लंदन शहर में 3.30% पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं और इसके दुगने यानी 7.45% भारतीय मूल के नागरिक है। पर ये पूरी बात नहीं है दोस्तों, पूरी बात बताना चाहता हूं। सच ये है कि लंदन में होने वाले चुनाव का असर मेरे और आपके जीवन में डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव के नतीजे आपके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मूल के मेयर बनने के बाद लंदन में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, मंदिरों को निशाना बनाया गया है, उन तस्वीरों को ना मैं आप भूल सकते हैं ना दोस्तों मैं भूल सकता हूं, आपको मैं भूलने भी नहीं दूंगा। इसीलिए ये चुनाव आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए। As you know, I'm your independent candidate for mayor of London 2024. लंदन से क्या अब हिंदू विरोधी एजेंडे का अंत होने जा रहा है। दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी 6,700 किलोमीटर दूर लंदन जाकर भी न भारतीयता भूले और न सनातन संस्कृति, यही वजह है कि वो भगवान की पूजा का वीडियो भी गर्व से शेयर करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बेझिझक सबसे मिलते हैं। दूसरी ओर सादिक खान है पाकिस्तानी मूल के सादिक, जब से लंदन के मेयर बने वहां अपराध भी बढ़ा और हिंदू आस्था पर हमले भी बढ़े। सादिक खान के मेयर बनने से पहले साल 2015 में अपराध के कुल 7,46,861 मामले दर्ज हुए थे,
लेकिन सादिक खान के मेयर बनने के बाद अपराध और ज्यादा बढ़े। साल 2023 में लंदन के थानों में कुल 9,33,287 केस दर्ज हुए, यानी 8 साल में करीब 2 लाख ज्यादा। अब इस वीडियो को देखिए, मैं आपको कोई नया वीडियो नहीं दिखा रहा, बस याद करा रहा हूँ। सितंबर 2022 की बात है, लंदन के पास लेस्टर शहर में स्वामी नारायण मंदिर पर एक नकाबपोश शख्स चढ़ा और लहराता हुआ भगवा ध्वज गिराने लगा। पुलिस भी थी लेकिन भीड़ को काबू नहीं कर पा रही थी, मजहबी नारे लग रहे थे। टारगेट पर हिंदू थे और वजह सिर्फ ये थी कि एक T20 मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान हार गया था। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी मूल के कुछ लोगों ने हिंदुओं को टारगेट बनाया। उसके बाद भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर ब्रिटेन सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा था। 11 जनवरी 2024 को वेम्बले में शिव मंदिर में मूर्ति तोड़ने की नापाक कोशिश की गई। मार्च 2023 की बात है जब लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की साजिश हुई। तिरंगे का अपमान किया गया, इसके पीछे खालिस्तान का हाथ था। और मास्टरमाइंड इंदरपाल सिंह गाबा को NIA ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जब वो पाकिस्तान के रास्ते अटारी बॉर्डर से भारत में एंट्री कर रहा था। 25 मई 2020 को लंदन में गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारा में एक पाकिस्तानी मूल के शख्स ने तोड़फोड़ की थी। कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, बार बार दिखता है ऐसे कि जो लंदन सिटी की पुलिस है या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, वो भारत के कंसर्न्स, इश्यूज और हमारी चिंता और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ड्यू रिस्पेक्ट से नहीं लेते हैं। ऐसे में ये चुनाव एक मौका है, जो भी नया इलेक्ट होकर के आए वो भारत के प्रति बिल्कुल ही एक सही व्यवहार के साथ डील करे। सादिक के खिलाफ 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी से हैं, लेकिन भारतीय मूल के तरुण गुलाटी एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सादिक से लंदन की सत्ता छीनने का संकल्प लेने वाले तरुण गुलाटी का दावा है कि लंदन में बढ़ते अपराध की सबसे बड़ी वजह मेयर सादिक खान है। सादिक के कार्यकाल के दौरान लंदन में 1,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। पिछले साल 21 युवाओं का मर्डर हुआ। गुलाटी के मुताबिक लंदन के लिए उनकी प्राथमिकता सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन की हवाएं इस बार सादिक खान के खिलाफ बह रही हैं, लेकिन 48 घंटे बाद पता चलेगा कि सादिक को हराने का हिंदुस्तानी संकल्प पूरा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, लंदन में आबादी के लिहाज से किसको कितनी ताकत है, दोस्तों इसके लिए मैं आपको ब्रिटेन की राजधानी का धार्मिक समीकरण बताना चाहता हूं। 2021 की जनगणना के मुताबिक लंदन की आबादी 88 लाख है। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसकी संख्या कितनी है समझिए। तो लंदन में दोस्तों हिंदू आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन मुस्लिम आबादी, मैंने आपको कहा था वो अधूरा मामला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वाले डेटा का, मुस्लिम आबादी 15% है, यानी हिंदुओं के मुकाबले 3 गुना। ये नंबर सादिक खान को बहुत पसंद आता है और इसी वोट बैंक के चक्कर में वो जीतते हैं दोस्तों। तो जो चुनाव में पाकिस्तानी कार्ड के साथ साथ वो मुस्लिम कार्ड का दावा भी खेलते हैं, वहीं सिख आबादी सिर्फ 2% है, सबसे ज्यादा 40% क्रिश्चियंस हैं, वहीं यहूदी दोस्तों सिर्फ 2% है। दोस्तों, देश के दुश्मन सिर्फ भारत के पड़ोस में ही नहीं बल्कि दिल्ली से दूर 10,000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं, जो अपनी जमीन पर इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में यूज करते हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर ऐसे लोगों को शरण दी है जो भारत विरोधी साजिशें रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। ट्रूडो ना सिर्फ अपने देश में खालिस्तानी समर्थकों को पालते हैं बल्कि खुद भी खालिस्तानी समर्थक हैं। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम यू ही नहीं है दोस्तों, उनकी सरकार ही खालिस्तानी समर्थकों से चल रही है। कल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के ओंटारियो में सिखों के कार्यक्रम में गए। उस कार्यक्रम में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने ट्रूडो के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दोस्तों ध्यान से आपने सुना, जस्टिन ट्रूडो के सामने नारे लग रहे हैं। ट्रूडो ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि खालिस्तानी समर्थक कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, उल्टा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे
लगवाए और जब लग रहे थे उन्होंने अपनी सहमति जताकर अपना खालिस्तानी चरित्र दिखा दिया। कनाडा की धरती पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है जस्टिन ट्रूडो अपने देश को खालिस्तान बनाने की मंशा पाले हुए हैं। तभी तो सिखों के कार्यक्रम में उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। उल्टा ट्रूडो ने एक शब्द बोलकर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों का समर्थन कर दिया। ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों को यस कहा। उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की हां में हां मिलाई। इस कदम से ट्रूडो की भारत विरोधी सोच फिर उजागर हो गई। कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत विरोधी रुख नया नहीं है। ट्रूडो ने अपनी धरती को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना लिया है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक खुलेआम खालिस्तान का झंडा लहराते हैं। कनाडा की पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि पुलिस जानती है कि कनाडा की सरकार ही उनकी समर्थक है। ट्रूडो के राज में कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकी छिपे बैठे हैं और उनके संगठन फल फूल रहे हैं। इनमें खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कुल 9 खालिस्तानी संगठन शामिल हैं। एक और दावेदार खड़ा हो गया जिसका नाम था जगमीत सिंह, जिसने न्यू डेवलपमेंट पार्टी खड़ी की और वास्तव में वो एक अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में जस्टिन ट्रूडो को चैलेंज कर रहा था। उस समय जस्टिन ट्रूडो ने उसके साथ हाथ मिलाया और तब से जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है कि हर प्रकार से वो जो आतंकवादियों को सपोर्ट करे, नहीं तो कैनेडा में वो टिक नहीं सकते। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम यूं ही नहीं है। ट्रूडो को पता है कि खालिस्तान से दूरी उनकी सरकार के लिए संकट खड़ा कर देगी। ट्रूडो की कुर्सी खालिस्तान समर्थकों के कारण ही बची हुई है। ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी का न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP से गठबंधन है। ट्रूडो अकेले सरकार नहीं चला सकते, इसलिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सांसदों का उन्हें समर्थन है। NDP का चेयरमैन है जगमीत सिंह और इसे ही खालिस्तानियों का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। रविवार को कनाडा के ओंटारियो के जिस कार्यक्रम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वहां ट्रूडो के साथ जगमीत सिंह भी मौजूद था। जो बेइंसाफी हुई है उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए या सो बेनती है। जगमीत सिंह के साथ की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते आ रहे हैं। पिछले साल ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मनगढ़ंत आरोप लगाया था। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा में भारतीय मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। पिछले साल खालिस्तानियों ने खुलेआम तत्कालीन भारतीय राजदूत की हत्या की धमकी भरे पोस्टर लहराए थे। कनाडा में भारतीय दूतावास पर भी खालिस्तान समर्थकों ने हमले की कोशिश की थी। कनाडा में खालिस्तानी कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ट्रूडो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। दरअसल इसके पीछे राजनीतिक वजह भी है। अगले साल कनाडा में आम चुनाव होने हैं और उसके लिए ट्रूडो को सिख समुदाय का वोट चाहिए। कनाडा की जनसंख्या 3,70,00,000 है। वहां करीब 16,00,000 यानी कुल आबादी का 4% भारतीय हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी सिख समुदाय की है। सिख कनाडा में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। कनाडा में रहने वाले कुछ सिख समाज के लोग खालिस्तानियों के बहकावे में आकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वहां रहने वाली बड़ी सिख आबादी उन खालिस्तान समर्थकों से दूरी बनाए रखती है। ट्रूडो अपने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तान आंदोलन को खाद पानी देते हैं। जो सिख मेहनत और सेवा की भावना के लिए जाने जाते हैं, उनसे इतर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले सिखों को जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम पे एतराज जताया है। ट्रूडो के कार्यक्रम में नारे लगे, इस पे जस्टिन ट्रूडो के इस तरीके की गतिविधियों पे डेप्यूटी हाई कमिश्नर को इस वक्त समन किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इस वक्त ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम पर बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्रालय सख्त, और यही फर्क है दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में, कि हम जो है यहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सबसे सर्वोपरि रखते हैं। दोस्तों वोट बैंक के लालच में और कथित अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को फूलते फूलते जो है खालिस्तानियों के चक्कर में, ये जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अकेले नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के पिता और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने भी ऐसी तरीके की हरकत करी थी। अब उनके बेटे और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्हीं के कदम पे चल रहे हैं। दोस्तों पियरे ट्रूडो 1968 से 1979 तक और 1980 से 1984 तक
कनाडा के पीएम रहे। इसी दौर में खालिस्तानी आतंक चरम पर था। खालिस्तानी आतंकी भारत से जान बचाकर कनाडा में शरण ले लेते थे। ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के पीएम रहते कनाडा में खालिस्तानी पनपे। दोस्तों, उनके पिता ने खालिस्तानी आतंकवादियों को नजरअंदाज किया। भारत की आपत्ति पर भी उनके पिता ने कार्रवाई नहीं करी। कुछ खालिस्तानी आतंकियों को भारत ने सौंपने की मांग की थी, जिसे उस वक्त उनके पिता ने खारिज कर दिया। अब जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में 9 खालिस्तानी संगठन कनाडा में मौजूद हैं। दोस्तों, एक तरफ आज मैं बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, एक तरफ ध्यान से देखिएगा, मिस में इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों की मुलाकात की खबर ट्रेंड हो रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका विदेश मंत्रालय एंटनी, उनके मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी सऊदी अरेबिया में इस समय गाजा का समाधान ढूंढ रहे हैं। इन सबके बीच इसराइल ने गाजा पट्टी के रफा शहर में भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। रफा में बीते रात इसराइल की ओर से 3 हमले किए गए। हमले 3 घरों पर हुए। इन हमलों में 6 महिला 5 बच्चे समेत 22 लोगों की मौत की पुष्टि है। दोस्तों, एक बच्ची तो सिर्फ 5 दिन की थी। दोस्तों, हमास के खिलाफ वॉर का 7वां महीना चल रहा है और इसराइल ने बदला कैसे लिया, एक के बाद एक मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक बदला सिर्फ नहीं लिया, 28 बदले लिए। यानी जब हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में आतंकी हमला किया था, तब काफी नुकसान पहुंचाया था। करीब 1200 इसराइली नागरिकों, मासूम इसराइली नागरिकों की जान गई थी दोस्तों। और इसराइल के इंतकाम में अब तक 34,000 फिलिस्तीनियन मारे जा चुके हैं। यानी इसराइल ने एक नागरिक की मौत के बदले 28 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, बड़ी बात क्या है? दोस्तों, बड़ी बात यही है कि जब भी जंग शुरू होती है, नुकसान सबका होता है। इसीलिए आतंक के खिलाफ विश्व को एकजुट होने की जरूरत है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते हैं। दोस्तों, आपके सवाल का मकसद हमेशा हर खबर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक ही बात होती है, संपूर्ण राष्ट्रवाद, संपूर्ण देशभक्ति और संपूर्ण सच्चाई। ये प्रिंसिपल मैं प्रदीप भंडारी शो पे आगे बढ़ाता हूं। जुड़ते रहिएगा। नमस्कार। Z News.